दोस्तों मैं सौरभ गुप्ता आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि यूपी पीसीएस की आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम होता है उसका वर्ष 2022 की वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि पिछले बार 2021 की बात करें तो लगभग इस समय तक वैकेंसीज अनाउंस कर दी गई थी। 2021 वाला जो फॉर्म था वो अगर आप डेट देखें तो 5 मार्च 2021 को उसका नोटिफिकेशन आ गया था। अभी अप्रैल भी हो चुका है लेकिन आरओ एआरओ के बारे में कोई भी चर्चा सुनने को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ में आपको इस वीडियो के लास्ट में एक आइडिया मिल जाएगा कि ये एग्ज़ाम की वैकेंसी कब तक आने वाली है, सो दैट आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकें। सबसे पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप हमारा यूपी से संबंधित जो टेलीग्राम चैनल है उसको सबसे पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि यूपी में बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जो किसी को पता नहीं चल पाती हैं और लोग उसमें सिलेक्शन ले लेते हैं, तो उन सभी की जानकारी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ ध्यान देना कि अभी आयोग की तरफ से पिछले महीने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर भी लॉन्च किया गया था और उस एग्ज़ाम कैलेंडर में उन्होंने सभी एग्ज़ामों का डिटेल दे रखा है जो कि नवंबर 2022 तक होने वाले हैं, लेकिन उस एग्ज़ाम कैलेंडर में आरओ एआरओ का कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। आप एक चीज़ जान लें कि जो आरओ एआरओ की वैकेंसी है ये प्रतिवर्ष नहीं आती है, हर साल ये वैकेंसीज नहीं आती हैं। लास्ट जो वैकेंसी है वो पिछले साल ही आई थी 2021 में और उससे पहले आई थी 2017 में, यानी कि 2021 वाली जो वैकेंसी थी ये 4 साल के बाद में आई थी, 2017 के बाद में सीधे 2021 में वैकेंसीज आई थी। 2018 में कोई वैकेंसीज नहीं थी, 19 में कोविड था, कोविड की वजह से नहीं आई थी, 20 में भी कोविड की वजह से नहीं आई थी और फाइनली आई थी 2021 में। तो चूंकि इसमें 4 साल का गैप था तो हम ये मान सकते हैं कि उस ईयर में जो भी वैकेंसीज रही होंगी वो नहीं फिल हुई हैं, और नहीं फिल होने का मतलब है कि अब जो है ये वैकेंसीज आने के चांसेस तो बढ़ते हैं लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं शेयर करी गई है। तो यहाँ पर उम्मीद ये है कि अभी तक तो देखो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं रिलीज़ किया गया है, लेकिन चूंकि बीच में 4 साल का गैप हो गया है इस वजह से हाईली चांसेस हैं कि ये वैकेंसी इस साल भी आएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है इसमें कंपटीशन दूसरे एग्ज़ामों के कंपैरिजन में थोड़ा कम है और सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि 2021 वाला जो फॉर्म अभी भरा गया था उसमें 354 टोटल वैकेंसीज थी और आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि 354 वैकेंसीज के लिए 5,60,000 लोगों ने इस फॉर्म को भरा था, लेकिन इस एग्ज़ाम को देते बहुत कम लोग हैं। पता नहीं क्यों इस एग्ज़ाम को प्रीलिम्स जो था वो मात्र 2,74,000 लोगों ने दिया, यानी कि पूरे जितने फॉर्म भरे गए थे उसके मात्र 50% बच्चों ने ही मात्र इस एग्ज़ाम को दे पाया, ठीक है। तो 50% बच्चे तो ऐसे ही हट गए। इसके बाद में जब इसका मेंस का रिज़ल्ट आया तो मात्र 4,830 बच्चों को पास किया गया, तो कहाँ 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और कट के हो गया मात्र 4,800 बच्चे, और 4,800 बच्चे के बाद में एक फॉर्म फिर से फिलअप कराया जाता है मेंस के लिए, आरओ एआरओ के मेंस के लिए। तो आरओ एआरओ के मेंस के लिए 4,800 बच्चों में से मात्र 3,900 बच्चों ने मेंस में बैठने के लिए फॉर्म भरा था, और उसके बाद में भरने के बाद में भी बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं गए थे। लगभग आप मान सकते हो 2,900 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया था फाइनल, जो इसका मेंस का एग्ज़ाम है। आप समझ सकते हैं इतनी अच्छी जॉब है, इतना अच्छा प्रोफाइल होने के बावजूद इसका कंपटीशन लेवल बहुत कम है, मात्र 2,900 बच्चों में फाइनल सिलेक्शन किया जाना है, 2,900 बच्चे मात्र मेंस के एग्ज़ाम में बैठे हैं। अभी 24 अप्रैल को ही ये एग्ज़ाम हुआ है, तो ये जॉब बहुत ही शानदार है, इसकी तैयारी आप लगातार करते रहिए, क्योंकि जब ये अचानक से फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म आने के बाद में कोई तैयारी नहीं होती है, तैयारी आपकी पहले से ही हो जाती है। और अगर आप इस एग्ज़ाम की फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले ज्वाइन करें, हमसे बेहतर गाइडेंस आपको शायद ही कोई दे। हमारे जितने भी बच्चे जिनको हमने इस एग्ज़ाम की तैयारी कराए हैं वो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। अभी जो 24 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसमें समझिए कि करंट अफेयर्स के 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि 20 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे पीडीएफ से उस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो अब यहाँ पर मेन चीज़ मुद्दा आती है कि ये जो एग्ज़ाम है
चूँकि पिछले 4 साल से हुआ नहीं था, 2021 में हुआ है और 2022 में भी इसके आने के चांसेस हैं। और ये कब तक आएगा? मार्च, अप्रैल, मई, ये पीक मंथ्स हैं जिसमें ये फॉर्म आ जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मई अभी शुरुआत हो गई है, जून तक ये जो है इसका वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस कर दी जाएंगी। आप तैयारियों में लगे रहें, किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।